नमस्कार, मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या दलित पिछड़े आदिवासी की राजनीति शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी गई है? लग तो यही रहा है। राहुल सोन पिंपले जेएनयू के पीएचडी के स्कॉलर हैं, डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा है कि एससी एसटी का वर्गीकरण करके कम से कम आदिवासी और दलित एकजुटता की राजनीति तो खत्म हो गई है और ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट से आया है। वहीं ओबीसी की भी राजनीति खत्म हो रही, लेकिन क्या इसके लिए जिम्मेदार हमारे नेता नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आजादी के 75 साल बाद तक राजनीति में लगभग 90 के दशक तक एससी एसटी ओबीसी की पूछ नहीं थी। उसके बाद बीएसपी के संस्थापक, डीएस4 के संस्थापक, बामसेफ के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब ने साइकिल से इस देश में दलित पिछड़ों की राजनीति को जिंदा किया। उसी दौर में मुलायम सिंह यादव, करुणानिधि और लालू यादव जैसे छत्रप पैदा हुए और उन्होंने राजनीति को आगे बढ़ाया। लेकिन क्या इनके परिवार की राजनीति, इनके अपने स्वार्थ ने बहुजन राजनीति को खत्म कर दिया है? दरअसल लगातार इस देश में एससी एसटी ओबीसी के लोग एकजुट हो रहे थे। एससी एसटी इतना एकजुट हो गया था, खासकर एससी समाज एकजुट हो गया था, जिसकी आबादी इस देश में लगभग 15% से 18% है, वो एकजुट हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको तोड़ दिया। आज के समय में स्थिति है कि एससी एसटी समाज की तमाम जातियां एक दूसरे के पीछे छींटाकशी कर रही है और जानलेवा तरीके से हमला करने की फिराक में। अभी शब्दों का हमला है, न जाने आगे क्या होगा। और ये सब कुछ आया सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, जबकि मैं आपको बता दूं कि आप एससी समाज के किसी जाति में हो, आपको नॉट ट्रांसफरेबल लिखा जाता है। इस देश का जो सवर्ण हिंदू है वो मुस्लिमों से तभी लड़ता है जब एससी एसटी कोई पद पर न हो। आज तमाम लोग लिख रहे हैं, गलती से कोई आईएएस, कलेक्टर, जज दिख जाए एससी एसटी ओबीसी तो सबसे पहले उससे नफरत करने वाला कौन होता है, ये बताइए। वो ये नहीं सोचता है कि ये हिंदू है, वो सोचता है कि ये एससी एसटी ओबीसी है, ये दलित पिछड़ा कैसे यहाँ कुर्मी यादव, कुशवाहा, रविदास, पासवान कैसे बन गया। तो जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती है और बाबा साहेब ने संविधान में आपको जाति खत्म करने का मंत्र दिया और इसीलिए 7000 जातियां थी एससी एसटी ओबीसी की, उनको उन्होंने एससी एसटी ओबीसी का दर्जा दिया। 90% की उनकी राजनीति थी, उनकी राजनीति धीरे धीरे परवान चढ़ रही थी। इस बार संसद में लगभग 50% एससी एसटी ओबीसी के सांसद हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने एससी एसटी की राजनीति को बिल्कुल खत्म कर दिया है और मैं देख रहा हूँ एससी एसटी के लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप एससी एसटी के किसी भी जाति से आते हैं और अगर आप सुप्रीम कोर्ट से आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय कर रहा है तो आप गफलत में हैं, आपको लड़ा दिया गया है। रविदास के बच्चे को भी नॉट फाउंड सुटेबल लिखा जाएगा, वाल्मीकि समाज के बच्चे को भी नॉट फाउंड सुटेबल लिखा जाएगा और पासवान समाज के, सोनकर समाज के, रजक समाज के बच्चे को भी नॉट फाउंड सुटेबल लिखा जाएगा। ये गांठ आप बांध लीजिए। आप राजनीतिक रूप से एकजुट हो रहे थे, उस पर अब कील ठोक दिया गया है। दूसरी बात अब ओबीसी की राजनीति की। ओबीसी में पहले ही क्रीमी लेयर लगा हुआ था, लेकिन यूपी में जिस तरह से इस बार नतीजे आए, यूपी में ओबीसी एकजुट हो रहा था। एकजुट हो रहा था तो प्रशांत किशोर जैसे लोग हैं, सोचिए बिहार में प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का गठन करने जा रहे हैं गांधी जी की आइडियोलॉजी पर। और प्रशांत किशोर ने पिछले 2 सालों में सारे एससी एसटी ओबीसी के अलग अलग इलाकों में बैठकें की हैं, मुस्लिम समाज के अलग इलाकों में बैठकें की हैं और उनका एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन पर कोई राय नहीं है, सोशल जस्टिस पर कोई राय नहीं। प्रशांत बेईमानी का अंदाजा इससे लगाइए, उनका पूरा काम बीजेपी के लिए रहा है, कभी ममता बनर्जी के लिए ला रहा है, लेकिन उनकी बेईमानी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार में सिर्फ 30 साल का रोना रो रहे हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। जबकि ये सच है कि लालू यादव की सरकार में कांग्रेस भी रही है, उस पर वो कुछ नहीं बोलते हैं, और नीतीश कुमार की सरकार में बीजेपी भी रही है, इस पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। और ये जो पीके हैं वो किसी भी सवर्ण प्रधानमंत्री या आरएसएस बीजेपी पर बिल्कुल नहीं बोलते हैं, तो ये खतरनाक संकेत है। दूसरा खतरनाक संकेत बता रहा हूँ, आरएसएस की एक बड़ी प्लानिंग जो है वो सामने आ रही है और उसका एक कोट अब मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी दो दिन पहले मैंने खबर पढ़ी थी, राजस्थान का जो विप्र समाज है, विप्र समाज मतलब ब्राह्मण समाज, वो जाति जनगणना के खिलाफ है। आप ये भी जानते हैं कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन जो 10% है उसमें सबसे ज्यादा फायदा ब्राह्मण समाज को मिल रहा है। और उससे आगे की बात बता दूं, अब आरएसएस की मंशा है कि जो रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट पर अब कोई भी नेता चुनाव अपने बच्चों को न लड़ा पाए,
इस तरह की भी उसकी राय है कि जो रिजर्व सीटें हैं उस पर भी अब ये उसको भी एक बार कर दिया जाए कि तो इसकी अगर किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री बना और उसके बच्चे को भी आरक्षण मिलना, क्या आपको लगता है कि तर्क संगत है कि कोई किसी सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस बना उसके बेटे को भी क्या जज बनना तर्क संगत है? क्या उसके पोते को भी, उसकी पोती को भी, उसके दामाद को भी, उसकी जो है भाई को भी क्या जज बनना तर्क संगत है? क्या ये डेमोक्रेसी है? तो ये तमाम सवाल जो है ये खत्म हो रहे हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है, और उस कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग समझदार सफल होते दिख रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले 1000 सालों से SC ST को और OBC की जातियों को, किसानों को, शूद्र अछूत, यहाँ चार वर्ण व्यवस्थाएं थी, चार समाज था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और अछूत। शूद्र में जो ब्राह्मण नहीं है, जो वैश्य नहीं है और जो क्षत्रिय नहीं है, वो सब शूद्र थे। उनको कोई अधिकार नहीं था, उनको जिस तरह से चलाया गया। संविधान आने के बाद इन्हीं को बाबा साहब ने SC ST OBC का जो शुद्ध, अच्छा सोचिए, ब्राह्मण में कोई जाति नहीं, वैश्य में कोई जाति नहीं, क्षत्रिय में कोई जाति नहीं, लेकिन शूद्रों में 7000 जातियां थी, कुम्हार, लोहार, प्रजापति, विश्वकर्मा, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, कोई चमड़े का, कोई लोहे का, कोई मिट्टी का काम करने वाला, इनको जातियों में बांट दिया गया। बाबा साहब ने तमाम जिनको शूद्र माना गया उन सबको एकजुट करके SC ST OBC का दर्जा दिया, और कहा कि जिनका शैक्षणिक पिछड़ापन है, जिनका अनटचेबिलिटी झेलना पड़ा है, और जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, सोशल बैकवर्डनेस। अब बताइए, जब राजपूत समाज के लोग भी सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, तो जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा कहाँ आएंगे? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर को नहीं मिल रहा है, राजपूत समाज को भी नहीं मिल रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज वर्गीकरण नहीं कर रहे हैं। तो ये सब सवाल है जो आपको सोचना पड़ेगा। हम लोग की जिम्मेदारी है एक पत्रकार के तौर पे, इसका हम लोग दंश भी झेल रहे हैं, चाहे वो तमाम संस्थाओं में जो बैठे हुए लोग हैं वो जाति के डिस्कोर्स को इस देश में नहीं चाहते हैं। तमाम सवर्ण, एक से एक तमाम सवर्ण लिबरल पत्रकार हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर बात करते मिल जाएंगे, वो मुसलमानों के साथ खड़े मिल जाएंगे, लेकिन वही तमाम सवर्ण लिबरल पत्रकार 90% मुस्लिम OBC है, SC ST OBC, सिख, इनके पक्ष में, मतलब वो सोशल जस्टिस और आरक्षण और SC ST OBC बोलने से उनको बहुत ज्यादा गुरेज है। तो ये समझिए, और यही PK का असली कैरेक्टर है, वो लगातार जो 30 सालों की बात कर रहे हैं, और 75 साल के डेमोक्रेसी में 30 साल से मान लीजिए कि लालू यादव जी का शासन और नीतीश जी का शासन है, तो पीछे किसका शासन था, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दिक्कत यह है कि जो SC ST OBC के लोग हैं वो उनको शैक्षणिक रूप से इसलिए पिछड़ा रखा गया है, सामाजिक रूप से पिछड़ा रखा गया है, आर्थिक, जो फूले साहब ने कहा था, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, और व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। तो SC ST के लोग तेजी से एकजुट हो रहे थे, राजनीतिक रूप से सचेत हो रहे थे, उनकी एकजुटता को खत्म कर दिया गया है वर्गीकरण के बाद। OBC एकजुटता क्रीमी लेयर पर खत्म कर दिया गया था, धीरे धीरे ही सही क्रीमी लेयर लागू हो रहा है, क्रीमी लेयर से ऊपर उठकर SC ST OBC के लोग एकजुट हो रहे थे। अब OBC को समझना पड़ेगा कि आपको तो एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो आपकी राजनीति और खत्म कर दी जाएगी, और ये बड़ी गहरी साजिश है। आपका आरक्षण भी खत्म होगा, आपकी एकजुटता भी खत्म होगी, आपकी पूरी राजनीति भी खत्म होगी, और ये सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और ये सारी बातें कोई सवर्ण लिबरल पत्रकार आपको नहीं बताएगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में कभी SC को, ST को और शूद्रों को 1000 साल से ऊपर से शोषण किया गया है, जब से यहाँ मौर्य वंश की समाप्ति हुई, उसके बाद से, संविधान लागू होने के बाद से, कभी सिखों पर हमला हुआ हिंदू एकजुटता के नाम पर, आज मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है हिंदू एकजुटता के नाम पर, लेकिन जो SC ST OBC हिंदू हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, दिलीप मंडल ने सही में लिखा एक पोस्ट, मैं चाहता हूँ कि आपको पढ़ के सुनाऊँ, और वो पोस्ट बहुत मारक है, और उसी के साथ खत्म करूँगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। सच्चा हिंदू युद्ध काल में मुसलमानों से लड़ता है, और शांति काल में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों को बर्बाद करता है। कोई नहीं चाहता है कि कोई दलित, पिछड़ा, किसान, DM, SP, जज की कुर्सी पर बैठा मिले। जाति प्रधान देश है, इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा मत कीजिए जो जातीय श्रेष्ठता की बात को टालते हैं। जहां सोशल जस्टिस नहीं है, जहां संवैधानिक न्याय की बात न हो,
उस पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। यहाँ विकास की भी जाती है, पूंजीवाद की भी जाती है, लेफ्ट की भी जाती है, राइट की भी जाती है, सेकुलर की भी जाती है। कोई सवर्ण समाज से आन जनरल कैटेगरी का आदमी लेफ्टिस्ट हो सकता है, राइटिस्ट हो सकता है, सेकुलर हो सकता है, लेकिन वो अपनी जाति नहीं छोड़ सकता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।